आई गयो क्या बात है बड़े? अरे आई गए हो, नजर आ रहे हो, ताला बंद करके तो कहाँ गए हो? आयो गए मैनेजर साहब। नहीं और का कहाँ है हो? देखे लो हम बड़ा के लटका रहा। अ तू कहाँ गए हो? लेसुन के खेत गोड़वाओ तो पा? पागल, मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए गई। अच्छा, बहुत गुस्सानो रहन है। कहें देखा कोने में गए? हम कहें कि हमका लेसुन पिछवारे वाला खेते में गुड़वावे के है। अब पता नहीं, अच्छा बैठा है तो वहाँ बहुत गुस्सा न है। हाँ, कुछ बताए तो नहीं हो ना? नहीं, हम बताए नहीं। हम कहे रोज घरे में नहीं रहते बस। दस रोज ही रहा, बाकी परेशान है। हम जब से घर में आए हैं ना, कोनो चीज का दिक्कत नहीं बिया। तब एक कई चीज का दिक्कत बा। कौन दिक्कत है वो प्रधान किया? और प्रधान की बहनी कौन दिक्कत हो सका था? देखा बताओ था यहाँ। भैया आवत हुई है। आई ये पगलत कहे क्या क्या है? एक मिनट
यही कहे कि मैनेजर साहब आ गया है। हाँ नहीं आया है। आया आया नहीं बढ़िया है। हमार बढ़िया, अपन बतावा। अपना भी सब ठीक है। और ये बताओ सबसे पहले तुम्हारी भाभी घर में है कि नहीं? है भौजी है। जाके बोलो भाभी को अपने कि भैया आ गए हैं। ए भौजी या ए भौजी या क्या भैया? ए भौजी का हो भैया? यहाँ का है ना? बैठाए है यहाँ वही ओसरवा में बैठाए यही ओसरवा बैठाए यहाँ। हाँ हाँ पानी उनी पियाया कि ना? आए पानी पिया है एक बाल्टी की। कोनो गाय भैंस हो यहाँ कारे भगौची गाड़ो तो बाल्टिया में आए तब तो दिन गिलसवा लोटवा में भर। अच्छा ए गोरीलाल बिटवा हम कल लिया चला जल्दी लिया चाहिए जल्दी। हाँ इतनी जल्दी और का स्वामी जी नमस्ते करती हूँ मैं। खुश रहो खुश रहो। कात या सानी जी का सानी सानी नहीं का सानी राज कली छिया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात बताइए। अरे कहाँ का इरादा बनाई हो प्यारी जी बता रही हूँ। ये तुम जान कहाँ की तैयारी बनाई हो? अरे मैं के जाने की हूँ छोटा वाला भाई वो मुझसे आज कई दिन बीत गए मुझसे 2000 रुपया कर्ज लेके गया है पर अभी तक लहरा में वो दिखाई दिया और नहीं मेरा पैसा वापस। अरे राजकली वो भी तुम्हारा भाई है। अरे ऊपर पड़े भगवान। अरे वो तुम्हारा एक प्रधान भाई है जो प्रकाश प्रधान है वो बड़ा कमीना है। पहले बात सुनो जान ले सब कुछ कह दिया भाई के बारे में अगर कुछ बड़ा ना जो वो प्रकाश प्रधान है वो बहुत कमीना है और घर में एक हिस्सा जो है एक हिस्सा जमीन नहीं दिया और घर में उसे टूटी फूटी झोपड़ी दे दिया है और खुद ही परेशान है तुझसे। वो तो खुद ही पैसे से मोहताज है उसके पास तू पैसा मांगने दो। आकाश भी तुम्हारा भाई है ना? मैं नहीं जानती। अरे वो आ रहे हैं पैसा लेने के लिए आ रहे देने के लिए आ रहे आकाश भाई आ रहे। ऐसा क्यों आंसू बहा रहे हो? आंसू का कारण क्या है भाई? बोलिए क्या बताऊं जी जाके मैं आपसे राह कोई न
नजर मुझको आती नहीं, आपसे तो मुलाकात आए हो गई, मेरी पहना है मुझको दिखाती नहीं। कह नहीं पा रहा हूं, आपसे तो मुलाकात हो गई, दीदी नजर नहीं आ रही। अरे आकाश भाई, जब तुम भी आते हो अपने बहन को ही पूछते हो, ठीक है अपने बहन से दो चार बात कर लो, अच्छे से मुलाकात कर लो, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर से, बेकार मिले मत जाना आकाश, ठीक है मैं आपके लिए चाय नाश्ते का व्यवस्था करता हूँ। अच्छी बात है जीजा जी, मैं बगैर आपसे मुलाकात के नहीं जाऊंगा। अरे कार भैया, नमस्ते, मैं जान गई कि आप मेरा पैसा लेकर आए हैं मुझे देने के लिए ना, दो 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 दो। अरे दाई का पैसा हमारा, चूमता हूँ चरण दीदी मैं आपका, मेरे ऊपर दया की नजर कीजिए, मेरी पत्नी गीता जो बीमार है, दवा पैसे के खातिर कुछ दे दी। दीदी आपको मालूम नहीं है कि बड़े भैया प्रधान जी ने मुझे अलग कर दिया है, यहां तक कि एक दिन का राशन नहीं दे दीदी। मेरी पत्नी गीता, हाँ, उसे कब क्या हो जाए, पाँव भारी है उसका, इसलिए दीदी मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे 10,000 रुपया दे। मर्ची ये भगवती गारू अबे 2,000 रुपया लेके रात 4 साल का दिन बीत गया, ओ कत लौटौ बने बहन आ यहां पर 10,000 रुपया भगवती। जैसे आया भगवती गारे वैसे हमरे घर से उल्टे पांव चल जा, हट नहीं इस तरह दीदी, नहीं इस तरह दीदी कारों से भागा।
होगी दीदी। क्या करूं? तो मेरी किताब मर मर जाए चाहे ऊपर ही पराई, ये चाहे क्यों साथ निखर जाए हर जाइवा। ऐसी हमसी कौनो मतलब ना ब्या समझे कि ना है। जैसे ना आया वैसे चला जाना, जल हम चमड़ी ना कोल ले बे। भले भाई है हमारे। क्या परमात्मा, मैं बड़ी उम्मीद लेके आया था कि जा रहा हूं मेरी दीदी जरूर मेरी मदद करेगी, लेकिन आज मुझे मेरी बहन फटकार करके निकाल दे रही है। दीदी पैसा मत दीजिए, कोई बात नहीं। चिया आज 3 दिनों से हम दो प्राणियों ने कुछ खाया नहीं है, अगर कुछ रूखी सूखी रोटी हो तो दे दो दीदी। अरे मुरे अरे भगवतिया गाड़ाई कैसे होगी, मैं कहीं मतिया मार उठी मैं कहा ये क्या करे अरे तो हाय भाई है तू, ये तरह का बहन है वो का पानी होनी नहीं पिए पानी पिया तो का हम सारी खवाओ उनका दे दे पैसा सब दे दे अपन घर तो दे दे कल का हम अपन शरीर ये कर दे भगवान तो हाय भाव जा यार यार मांगा तो हां दे दे पर ऐसा भाव जाए मन अपनो के खेला मिले चले जा रहे हो, क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आई मेरी चाची। पास आया था जिसके मदद के मिले वही मुख्तार बन बैठी है बेलीदार। देख लो ज
जिस्म को ये तेरे खोल कर जी, मैंने आपसे बताना उचित नहीं समझा, इसलिए कि मैं आपसे कहने में सकुचा रहा था कि कैसे कहूं, बहन अपनी है, अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। लेकिन जिस बहन के पास उम्मीद लेके आया था जीजा जी, उस बहन ने मुझे मार मार कर लहू लुहान कर दिया। आकाश, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? जीजा जी, मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, अब डॉक्टर कितना पैसा कहेगा मैं कितना आपको बताऊं? जो कुछ हो इस वक्त मदद कर दिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं। आप पैसे का इंतजाम करके जंग आकाश, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? ऐसा है आकाश, आप घर जाओ और भाभी को लेकर के बढ़िया से हॉस्पिटल में एडमिट करो, जो पैसा जितना लगेगा वो पैसा मैं खर्चा करूंगा। आप जरूर आइएगा जीजा जी, आप इसके लिए बेफिक्र रहो। मैं गीता को लिवा करके हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, मैं आपकी राह देखता रहूंगा जीजा जी। ये लो आकाश, कुछ पैसा लेते जाओ। ये लो 10,000 रुपया लेके जाओ, जो पैसा लगेगा वो तुम फोन कर देना, पैसा पहुंच जाएगा आपके पास। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराइए भाभी का। मुझे प्यार जिंदगी